विद्युक्षणयान् प्राश्य भोगान् सदृष्टान् पश्चाचान्यान् स्वमतिर्भवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि शनै स्वात्मनिस्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वशौ नमस्तु यः। प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी लगभग हम लोग आगम प्रकरण का समाप्त मंडूक उपनिषद में कालिका मंडूक कालिका काश्य गौरपाद आचार्य जी ने इसके ऊपर चार प्रकरण लिखा, एक आगम प्रकरण, एक द्वैतत्व प्रकरण और एक अद्वैत प्रकरण और एक अलग शांति। आगम प्रकरण में जगत की मिथ्यात्व, जगत में मिथ्यात्व जो भी धर्म बैठा हुआ है उसको श्रुति वाक्य के सहारे सिद्ध किया, श्रुति वाक्य के सहारे सिद्ध किया। अब जो अद्वैत प्रकरण आएगा वहाँ पे युक्ति के सहारे, वहाँ पे युक्ति की प्राधान्यता होगी, श्रुति वाक्य की रिइन्फोर्समेंट होगी। यहाँ पे श्रुति वाक्य की प्राधान्यता है, युक्ति थोड़ा थोड़ा श्रुति अनुकूल तर्क करके समझा दिया। और द्वितीय प्रकरण में आकर के जब पूरा दैत्य प्रपंच मिथ्या दिखाई दे रहा है तो अद्वैत भी कहाँ रहेगा, तो अद्वैत भी मिथ्या ही होगा, बोलते नहीं अधिष्ठान से, अधिष्ठान शक्ति और उसके बिना ये चीज़ दिखा नहीं पड़ सकता। जिसका जिस प्रकार से रेल के पटरी के ऊपर बिना, रेल के पटरी के बिना रेलगाड़ी नहीं चल सकती, चाहे उसके ऊपर राजधानी चले, चाहे पैसेंजर ट्रेन चले, चाहे मालगाड़ी चले, परंतु रेल की पटरी चले, वो पटरी हो गया अधिष्ठान। उसके ऊपर कहीं राजधानी चलते हैं तो जागृत काल जैसा कुआ जा लेते हैं, और यदि आपका मान लीजिए पैसेंजर अथवा सामान्य गाड़ी वालों सब प्रकार में तरह प्रतिभा से छूट आनंद लेते हैं, और मालगाड़ी बिल्कुल जब कुछ नहीं समझ में आता चलते हैं, कोई डब बने कम कुछ नहीं पर चलते हैं, ऐसे ही पटरी चाहिए, एक ही पटरी के ऊपर सकते, तो पटरी के बिना होना संभव नहीं। तो ऐसे ही ये अधिष्ठान तत्व सत्य इसको दिखाने के लिए अद्वैत प्रकरण, और फिर बाद में जो है अलग शांति प्रकरण जिसकी बारहवा मंत्र जिसके ऊपर अभी कालिका चल रहा है। बारह मंत्र में क्या बोला था, अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य प्रपंच उपशम शिव अद्वैत, ठीक है ना, एवं ओंकार आत्मा। तो इस प्रकार से ओंकार ये आत्मा हमारा स्वरूप है, आत्मा तुम्हारा स्वरूप की परमात्मा स्वरूप है। इस प्रकार से जो जानता है सर्वशक्ति आत्मा आत्मानम या एवं वेद, जो आत्मा को इस प्रकार से जानते हैं उस परमात्मा के साथ एक होता है, उसमें प्रवेश होता है। इसी के ऊपर कार्यकार बोल रहे हैं कि कल यहाँ तक हम लोग नहीं पढ़ गए, कल हमने पूरा शुरू से एक बार दोहराया था, है ना, तो इसलिए आज अगर उतना पीछे नहीं जा रहा हूँ। आज देखिए कल जो यहाँ पे बोले थे कि इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो अधम है अधम अधिकारियों में जो उत्तम स्थिति में है, अधम अधिकारियों में उत्तम स्थिति है वो क्या क्या, विचार पूर्व अकार उकार मकार को साइलेंट मात्रा में बस बंद करके चुप बैठ करके अपने स्वरूप को चिंतन करें। नहीं होता है तो क्या बोलते हैं हम कहाँ तक 26 पढ़ लिए थे ना कल 26 प्रणव ही अपरम ब्रह्म, तब उनको कार्य ब्रह्म के रूप में चिंतन करें। ईश्वर माया उपाधि के साथ, माया उपाधि माया कोई अलग वस्तु नहीं है, मैं कल भी बताया था हमारे पास दो वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु आपका मुक्ति के लिए भी हेतु है, एक ही वस्तु आपका बंधन के लिए भी हेतु है, एक ही वस्तु हमारी मुक्ति के लिए भी हेतु है, बंधन के लिए भी हेतु है। इस प्रकार एक ही सूर्य प्रकाश के लिए भी हेतु है, छाया के लिए भी हेतु है, मतलब ज्ञात ब्रह्म मुक्ति के हेतु है, अज्ञात ब्रह्म बंधन के हेतु है। और इस अज्ञात ब्रह्म को यह माया बोलते हैं, माया पे हमारे पास दूसरा कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज वेदांतिक सिद्धांतों को समझे, बाकी अलग मायावादी ईश्वर और वेदांतिक सिद्धांतों का माया मतलब क्या हो गया, अज्ञात ब्रह्म ही माया है, उसी से सारा प्रतीति होते हैं। जिस प्रकार रज्जु अधिष्ठान रूपी रज्जु की अज्ञान ही सर्वकल्पना की हेतु होती है, वही माया है, वही माया है। हाँ, उसके साथ थोड़ा सा ये चाहिए मदद करने के लिए, थोड़ा सा प्रकाश की कमी अथवा अधिक अधिक और हमारी मानसिकता के टेंशन की कमी, बस यही होता है हमारे बौद्धिक योग्यता और मानसिकता की कमी के कारण हम उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे, यही हमारी बंधन के लिए हेतु बनते, यही माया।
अज्ञात ब्रह्म माया बंधन के हेतु, ज्ञात ब्रह्म मुक्त तो मुक्त तो मुक्ति के लिए हेतु इसे क्या पे बोलते हैं प्रणव ही अपरम ब्रह्म और प्रणवश्च परस्मित ये परम ब्रह्म भी है। अपर ब्रह्म मतलब आप अज्ञान कोटि में आए बंधन के बंधन के अंदर विचरण कर रहे हैं, परम ब्रह्म मतलब ब्रह्म की तरफ देखना शुरू किया है, मतलब क्या होता है मुक्ति। और पर ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप क्या है अपूर्व अनंतर अबाह्य अनपर मतलब जिसके पीछे कोई नहीं है, जिसके आगे कोई नहीं है, जिसमें कोई भेद नहीं है, आद्य कारण भाव जिसमें नहीं है, इस प्रकार का जो स्वरूप है वो हो गया प्रणव के पारमार्थिक स्वरूप। अब इसके ज्ञान के फलस्वरूप हम भी उस अवस्था में उस प्रवेश कर जाते हैं, मतलब उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अभी भी ये नहीं कि पहले अप्राप्त था नया कोई वस्तु की प्राप्ति हुई, यदि ऐसा प्राप्ति होती तो होने का भी संभावना होता, परंतु जो प्राप्तत्व प्राप्त होता है तो माना पहले पहले से हमारे पास है, परंतु हम नहीं समझ पाने के कारण हमें अप्राप्ति की प्रतीति हो रही थी, परंतु जैसे कृष्ण दिखा देते हैं यही तो तुम्हारे गले के हर सकंड आवरण हो जाता, तुम्हारे गले की हार तुम्हारे गले में है, बस जान लिया तो बस यही हो गया हमारे मुक्ति के लिए, यही होगा कुछ के लिए। और लोग एक और भी समझते हैं मैं मुक्त होना नहीं चाहता हूँ, मैं तो संसार में रहकर काम बहुत अच्छी बात है। अब मुक्ति मुझसे तुम क्या समझते, अच्छा संसार में बताओ कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या इस दिन गलती हो जाता है कोई ये हमारा प्रत्येक कोई भी व्यक्ति आप ये बताइए कि दुख में रहना चाहते हैं क्या, कोई भी व्यक्ति संसार में दुख में नहीं रहना चाहता, सभी व्यक्ति जाने में अनजाने में आनंद अथवा शांति को मिलता है। अब आपसे कोई कहे अच्छा भाई हमारे पास ऐसा दवाई है जिसको एक दवाई दूंगा तो तुम एक साल तक आनंद में हो, एक दवाई दूंगा तो जिससे तुम 10 साल तक आनंद में, और एक दवाई दूंगा जिससे तुम 25-30 जब तक जियोगे तब तक, आप कौन सा दवाई लेना पसंद करोगे। यानी कि सभी व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है, हमेशा आनंद में रहना चाहता है। वेदांतिक मुक्ति की कंसेप्ट और कुछ नहीं है, केवल इतना ही है जो तुम ढूंढ रहे हो जाने में अनजाने में वो तुम्हारे अंदर ही है, उसको दिखाना ही इतना मात्र वेदांतिक काम है। और भी देखिए दृष्टि से आज हमने कोई अपना सामर्थ्य के अनुसार एक अच्छा चीज़ खरीद के लाया, कुछ भी वस्तु अच्छा चीज़ खरीद के लाया आपने, परंतु आके ही तुरंत यदि देखते हमारी बगल वाला हमारे मित्र केवल उससे अच्छा वस्तु है तुरंत हमारे मन में दुख हो जाते हैं, क्योंकि वो लगता और पैसा वो होना तो अच्छा होता है कि नहीं, मतलब हम सबसे अच्छा क्वालिटी का सुख चाहते हैं और हमेशा के लिए सुख चाहते हैं और आनंद ही चाहते हैं, और यही निरतिशय नित्य आनंद में रहना सभी व्यक्ति अनजाने में भी यही इसको ढूंढ रहा है। इसलिए वेदांत के लिए सभी अधिकारी है, वेदांत उसी को दिखाता है कि तुम जो नित्य निर्दिशा आनंद को ढूंढ रहे हो वो और कुछ नहीं हो स्वयं तुम, इसीलिए तुम ढूंढ भी रहे हो। यदि इसकी खुशबू अंदर से नहीं आती तो ढूंढते कैसे, हम उसी वस्तु को चाहते हैं जिससे संबंधित कुछ ज्ञान है, जो वस्तु संपूर्ण अज्ञात है उस वस्तु संबंध कभी भी चाहत नहीं होगा, जो वस्तु ज्ञात है उस वस्तु संबंध भी चाहत नहीं होता, जिसका आधा ज्ञान है आधा नहीं है उस वस्तु संबंधित जिज्ञासा अथवा चाहत होता है। कितना वेदांत को समझना कितना आसान है केवल इसी प्रकार, यानी कि ये हमको समझ में आ रहा है पूर्ण रूप से पकड़ नहीं पा, किसी कारण से जो है हम शास्त्र आदि अध्ययन तुरंत मन को संयम विवेक वैराग्य को चाहिए तो समझ में आए, पूरा शास्त्र की तात्पर्य तो इसी में ही है। यहाँ पिछले बोला प्रणव ही अपरम ब्रह्म प्रणव ही परस, एक ही तत्व वो आपका बंधन के लिए भी हेतु है, वो अपना मुक्ति के लिए भी हेतु है, जिस प्रकार सूर्य आपका प्रकाश के लिए भी हेतु है, छाया के लिए भी हेतु है, उनकी तरफ देखेंगे मतलब जितना हमारा आत्मनिष्ठ हो, जैसे कल देखो हमारे भगवद्गीता में श्लोक आया था तद्बुद्ध तदात्मन तन्निष्ठ तत्परायण तत्क्षत्र पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत चार स्टेप बनते हैं, तद्बुद्ध मतलब अपरक्षण बुद्धि वो कब होगा तदात्मन जब आप वहाँ पे एकत्व का अनुभव करेंगे, वो एकत्व कब होगा जब उसमें आपकी निष्ठा होगी, वो निष्ठा कब आएगा जब जगत को संबंधित बैठा
एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। इस प्रकार स्थिति को प्राप्त करने से क्या होता है, फिर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। गच्छन्त ज्ञानं कैसे होता है, क्योंकि ज्ञान निर्धूर्त कर्मश, ज्ञान के द्वारा क्या हो गया, हमने म्यूट कर रखा था, आवाज सुनाई नहीं, इसलिए फोन कर रहे थे, समझा दो अभी हम लोग ठीक। तो क्या हुआ कि हम क्यों, क्योंकि ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान संबंधित अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो नाश हो जाने के कारण व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से छोड़ जाते हैं। यही सकंठ आवरणम जाता, आत्मा तो नित्य प्राप्त अप्राप्त अविद्या श्लोक है इसमें, आत्मा तो सततम प्राप्त अज्ञानत अप्राप्त यथा अप्राप्त इवो कैसे है कि बोलते हैं कि लास्ट में लास्ट पाद इसके लिए है स्वकंठ आवरणम यथा, ये आपके पास ये आत्मबोध तत्व बोध है ना, इसका श्लोक मैं बताऊंगा आपको, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, लास्ट पार्ट उसके स्वकंठ आवरण जाता है, जैसे आपने गले में हार है अपनी नीट के मतलब कोई दिखा दिया तुरंत आपको प्राप्त हो गया, ऐसा ही हमारी अस्तित्व हम जानते हैं, हमारी ज्ञान स्वरूप होता है इसको भी हम जानते हैं, क्योंकि मैं जान परंतु अपने व्यापकता को केवल नहीं समझ पाते, यही स्वरूप व्यापक इतना ही मात्र कमी है, उस व्यापकता को समझने के लिए शास्त्रीय इसको हमने कल पढ़ लिए थे कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप अपूर्व अनंत स्वरूप अपूर्व अनंतर अभय अनपर प्रणव अभय, ठीक है ना, ये प्रणव के पारमार्थिक स्वरूप दिखा रहे, व्यवहारिक स्वरूप क्या है कि जगत प्रपंच जो अज्ञान की अज्ञान दशा में दिखता है, और प्रणव के पारमार्थिक स्वरूप क्या है, कोई सृष्टि नहीं है उसमें कार्यकरण में कुछ नहीं है, उसी को देखिए यहाँ पे टीका का लिखते हैं कि दृश्य तरी प्रणव मंदानाम मध्यमानाम च अधिकारी नाम धीर भगत इतिहास, तो मंद और मध्यम अधिकारी किस प्रकार के प्रणव का चिंतन करें, बोलते सगुण ब्रह्म की चिंतन करें, सगुण ब्रह्म की चिंतन करें, नहीं तो वो आलम्बन के बिना मन स्थिर नहीं होता, जो शुरू में एक वो आलम्बन दो जो आलम्बन अच्छा लगे, मैं सामान्य रूप में एक योग दर्शन छूटक यथा अभिमतम ध्यानात्मा यथा अभिमतम ध्यानाद्वार, आप जो है अपने मन को लंबा समय एक विषय में रखने के लिए ऐसा कोई विषय को आप ले सकते हैं, किसी महापुरुष के जीवन आपको अच्छा लगता है, कोई वैराग्यवान पुरुष के जीवन आपको अच्छा लगता है, आपके जीवन की कोई अच्छा घटना जो आपको आनंद देता है उसमें लंबा समय तक मन को रखने की कोशिश करें, उसमें लंबा समय तक मन को रखने की कोशिश करें, तब क्या हो जाएगा एक विषय में मन को रखने का अभ्यास, फिर धीरे धीरे उसको स्थूल से सूक्ष्मता की ओर चलेगा, है ना, इसको वितर्क विचार आनंद अस्मिता इस प्रकार अस्मिता आनंद इस प्रकार के चार स्टेप बाय स्टेप लिखा, तो इस यहाँ पे भी ऐसे ही है, हमारे पहले बोलता है कि मंद और मध्यम अधिकारी कैसे चिंतन करेगा, उस स्थूल अवलंबन को लेकर ईश्वर का जो नाम रूप अच्छा लगता है उसका अवलंबन को लेकर के, इसलिए ओंकार रूप अवलंबन देकर के यहाँ पे उसमें आकार उपार और मकार की जो मात्रा है वही हमारी जो है कि जागृत स्वप्न सुषुप्त की तीन पाद है, इस प्रकार से दोनों के एकत्र चिंतन करते ईश्वर के साथ एकत्र को अनुभव करें, धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ेगा, इसलिए बोलता है कि किन दृश्य तरी प्रणव मंदानाम मध्यमानाम च अधिकारी नाम धीर भगति इति आशंका प्रणव ही अपरम। अच्छा फिर टीका में बोलते हैं कि उत्तम अधिकारी नाम किन दृश्य तरी प्रणव सम्मक ज्ञान गोचर भगति, और उत्तम अधिकारी लिए प्रणव कैसा होता है, तब बोलता तत्र अपूर्व अनंतर अवय अनवर। अब देखिए आज मैं अधम अधिकारी हूँ इसका मतलब मैं हमेशा अधम रहूँगा, ये बात नहीं है, अभ्यास करते करते हमारे अंदर भी योग मानसिक योग्यता बढ़ती जाते हैं, तब क्या हो जाएगा धीरे धीरे आप उस निर्विशेष निर्गुण निराकाश स्वरूप को अनुभव करने का मानसिक योग्यता आ जाता है, इसीलिए बोलते हैं उत्तम अधिकारी के लिए क्या हो जाएगा कि दृश्य स्तरीय प्रणव, वो प्रणव किस प्रकार उनके सामने होगा, क्योंकि प्रणव दोनों है पर भी अपर भी है, सामान्य मध्यम अधिकारी के लिए अपर ब्रह्म उपाधि के साथ उसका चिंतन करना परमात्मा को, और उत्तम अधिकारी क्या करके धीरे धीरे उपाधि को हटाने लगे, है ना, जहाँ पे कार्यकरण भाव नहीं है कोई भेद नहीं है, एक भेद दृष्टि से करता है एक अभेद दृष्टि से करने की कोशिश करता है, इसे बोलता है अपूर्व अनंतर अभय परापर ब्रह्म आत्मना प्रणव मंद मध्यम अधिकारिण धीयताम
उपगच्छति इति पूर्वार्धम व्याकरणीय प्रकार से पर अथवा अपर ब्रह्म के रूप में कि पूर्ण ओंकार मंद और मध्यम अधिकारी के लिए ध्येयता वो तो ध्यान का विषय बनता है, ध्यान के विषय इसलिए बताया, परंतु शुद्ध ब्रह्म ध्यान का विषय नहीं होता है ना, बोध का विषय, इसलिए बोध का विषय भी नहीं होता, बोध स्वरूप होकर कभी व्यक्त होता है, इसलिए मंद प्रणव मंद मध्यम अधिकारी ने ध्येयता उपगच्छति प्राप्त करता है। यदि पूर्वार्धम इस प्रकार के श्लोक का जो पहला आधा भाग है उसको भगवान वाचकर व्याख्या करते हैं, परापरे ब्रह्मणि प्रणव परमार्थ, प्रणव क्या होता है कि पर अपर दोनों ब्रह्म का प्रतीक है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से क्या परमार्थ है तो छीने सो मात्रा पादेश, पारमार्थिक क्या है कि मात्रा और पाद जहाँ पे क्षय हो जाता है, मात्रा और पाद जहाँ पे लय प्राप्त कर जाता है बाद हो जाता है, इसलिए बोलते परमार्थ तो छीने सो मात्रा पादेश पर एव आत्मा ब्रह्म, शुद्ध आत्मा है जो उपाधि नहीं जो असंग आत्मा है वही ब्रह्म है, न पूर्वम कारणमस्य विद्यते, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण नहीं है और इसका आगे भी कोई कार्य नहीं है, न तब ये कार्य कारण भाव से नहीं है, इसलिए आप यहाँ निश्चित न अंतर भिन्न जाति, इसमें विजातीय कुछ भी वस्तु सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय वस्तु भी नहीं है और स्वगत भेद भी नहीं है, मतलब अपने आप में कोई भिन्नता नहीं है, तथा बाह्य अन्न न विद्यते, इस प्रकार अपने से भिन्न करके कोई वस्तु भी विद्यमान नहीं रहे, आनंदगिरि जी लिख रहे हैं उत्तम अधिकारिणस्तु सर्व विशेष शून्यम एक रसम प्रत्येक भूतम जब ब्रह्म तद रूपेण प्रणव सम्म ज्ञान ज्ञानाधिगम्य भवति इति उत्तरार्थम विभजते, ठीक है ना, उत्तम अधिकारी के लिए क्या हो जाएगा, उत्तम अधिकारिणस्तु, तू क्यों ये उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी उत्तमता को दिखा रहे उत्तम अधिकारी सर्व विशेष शून्य, उसमें क्या होता है उत्तम अधिकारी के लिए समस्त विशेष रहित हो जाता है, तो हमारी विशेषता क्या है, हमारी विशेषता क्या है, निर्विशेषता ही हमारी विशेषता, निर्विशेषता हमारी विशेषता, जिसमें कुछ भी विशेष की भावना मन में उठे किसी भी प्रकार के विशेष गुण क्रिया कर्म मन में भाव उठे बोलते ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में मैं सर्वप्रकार निर्विशेष, इस प्रकार ये सोचते हैं उत्तम अधिकारिणस्तु सर्व विशेष शून्य, समस्त विशेष शून्य क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ विशेष आएगा वहाँ पे क्या भेद दिखेगा, जहाँ विशेष आएगा वहाँ भेद दिखेगा, फलत क्या हो जाएगा विशेष से रहित हो गए तब क्या दिखेगा एक रस दिखेगा, होमोजेनियस अनुभव है, जिसको बोलता है एक रसम, और क्योंकि और जब एक रस पूर्ण व्यापक आकाश तत्व तो है और वही जब मेरा स्वरूप है तो क्या हो गया, मेरा स्वरूप कुछ हो गया, मतलब प्रत्येक भूत मतलब स्वरूप है, जब जो मतलब जो व्यापक तत्व है तद रूपेण उसी रूप में प्रणव ओंकार, अब क्या हो गया ओंकार नहीं रहेगा, ओंकार पहले प्रत्येक अवलंबन लेकर के चल रहे थे, अब क्या हो जाएगा ओंकार प्रत्येक पूर्ण एक व्यापक असंगता है ना, वो अपने स्वरूप में भूत होकर के विद्वान है, जब ब्रह्म तद रूपेण प्रणव वो ओंकार सम्यक ज्ञानाधिगम्य, अब ये ओंकार आपका क्या हो जाएगा उपासना करते करते आपको सूक्ष्म वस्तु में मन रखने का जब सामर्थ्य हो जाता है तो अंदर से अपने आप अभिव्यक्त होता है ना, इसे सम्यक ज्ञानाधिगम सम्यक ज्ञान का मतलब से अनुभव में आ जाता है, अधिगम्य भवती हो अनुभव में आ जाता है, इति इसको मन में रखते हुए उत्तरार्थम विभाजते, उस श्लोक की जो अगला भाग पूर्वानंतर अवैध अनपर प्रणव इस भाग को व्याख्या करते हैं, परमार्थ पारमार्थिक दृष्टि से क्या है छीनेशु मात्रा पादेशु, जब मात्रा और पाद दोनों की लय प्राप्त कर बाद हो जाता है, बस केवल अधिष्ठान तत्व बचता है, पहले उसके ऊपर से कोई ट्रेन जा रहा था राजधानी पैसेंजर एक्सप्रेस माल सब जा रहा था, और बाद क्या हो जाएगा सेना बलवन एक भाव भी सुंदर सुंदर दृष्टांत देते हैं, देखिए तो हम 3 घंटे का पिक्चर देखते हैं सफेद पर्दा के ऊपर कितना कुछ हो जाता है, माँ की आँख लगना बारिश होना आँख फोन खराबी 3 घंटा पर्दा पिक्चर देखने के बाद पर्दा वैसे तो वैसे ही सफेद, पर्दा में एक दाग भी नहीं लगता और एक एक दिन में 3-3 बार चलते रहते हैं फिर भी कोई दाग नहीं लगता, ऐसे ही अनादिकाल से ठीक है सृष्टि की लीला चलने तो हमारे ऊपर फिर भी हम सर्वथा असंग है, इसका कुछ भी दाग नहीं है, उस अवस्था में जब जाएंगे तब अभिधान रहेगा या नहीं रहेगा उस स्टेज इसमें अभिधान अभिदेव भेद ही नहीं रहेगा, अभिधान अभिदेव भेद, तब आप बोलेंगे भगवान कैसे नहीं
व्यवहार के समय में चर बोलेंगे चराचरण के दर्शन अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भी जिस प्रकार देखिए मतलब हम इस शरीर में रहते हुए भी उस शरीर के साथ व्यवहार करते हैं, उसका अच्छा बुरा देखते हैं तो उसका साथ व्यवहार करते बोलते हैं। आप इसी प्रकार से अपने ही व्यापक स्वरूप में रह करके इस शरीर से व्यवहार इट विल बिकम अ थर्ड पर्सन टू यू। आनंदमयी माँ बोलते थे सही में हाँ बात यही है तो इट विल बिकम अ थर्ड पर्सन ये सो हमारे इसीलिए भगवान शंकराचार्य जो भगवती हमारे ब्रह्म उष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर विषय विषय बस वही बात अपनी भजन एक मैं प्रत्यय के विषय बस इतना ही रहता। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि परमार्थ तो छीने सुमात्रा पादेशु पर आत्मा ब्रह्म इति न तथा बाह्य न तथा पूर्व अपूर्व कारण बिंद। अच्छा आगे इसमें बोलते हैं परमार्थ दिखता उत्ते अर्थे प्रमाण सूचे इस प्रकार से जो आपने क्योंकि मानवों को कारिका का स्मृति है कारिका स्मृति है स्मृति को पुष्ट करने के लिए कारिका को हमेशा कुछ ना कुछ श्रुति वाक्य का आधार पर उसको पुष्ट करना भगवान भाष्कर को ज्ञाप इसलिए भगवान भाष्कर बोलते हैं मानवों को कारिका ने जो कारिका लिखा वो बिल्कुल श्रुति सम्मत है उस विषय में श्रुति है श्रुति सम्मत है। इसलिए बोलते हैं स बाह्य अभ्यंतरो ही अजह वहाँ पे क्या है वो अंदर बाहर कार्यकरण रूप में दिखाई देने पर भी वो सबके अंदर विद्यमान है और होते हुए भी वो जन्म मृत्यु से रहित है मतलब अजह अजह मतलब क्या होगा वहाँ पे कोई क्रिया नहीं जन्म मृत्यु से रहित है तो है क्या वो शैंदव घनव है ना एक ठोस एक चैतन्य घन प्रज्ञान घन एव प्रज्ञान घन एव एक चेतन था कि पूरा भरा हुआ स्थिति है और कुछ भी विजातीय वस्तु वहाँ पे नहीं है युक्ति अट्ठे प्रमाणन सूर्य सब आई अर्थ ठीक है। आगे देखिए 27 जदा ओंकारस्य प्रत्यगात्मत्वम् आपन्नस्य तुरीयस्य अपूर्वत्वम् अनंतरत्वम् इत्यादि विशेषणम् उक्तम् तत्र हेतु आह। ये जो कहा जब ओंकारस्य जो ओंकार क्या हो गया हमारा प्रत्यगात्मत्व स्वरूप हो गया ईश्वर मेरा स्वरूप है परमात्मा हमारा स्वरूप है प्रत्यगात्मत्वम् आपन्नस्य वही मेरा स्वरूप है इस प्रकार बोध हो गया जिसका उस व्यक्ति का षष्ठी ओंकारस्य प्रत्यगात्मत्वम् आपन्नस्य तुरीयस्य जो चतुर्थ भाग में स्थित है अपूर्वत्वम् अनंतरत्वम् मतलब कोई कारण नहीं है कोई भेद नहीं है इत्यादि विशेषण मतलब ये जो आपकी द्वितीय श्लोक की द्वितीय था पूर्वम अनंतरम अवाह्य इस प्रकार की विशेषण के द्वारा विशिष्ट उत्तम तत्र हेतु मह इसके विषय में हेतु क्या है क्यों आप ऐसा कह रहे हो हमें तो सृष्टि दिखाई पड़ रहा है भेद हमें हम हर जगह पे भेद दिखाई पड़ रहा है आप बोल रहे हैं कोई भेद नहीं है हमें कार्यकरण में हर जगह पे दिखाई पड़ता है आप बोलते हैं कार्यकरण में है नहीं ये कैसे इसलिए आप बोलते हैं जब ओंकारस्य प्रति इस ध्यान रखना एक हम जिस चीज़ को वर्णन करते हैं वो पारमार्थिक स्थिति भी इस समय दिखा रहे हैं और उनके बाद अज्ञान क्षेत्र शास्त्र है और ज्ञान क्षेत्र में शास्त्र भी नहीं है शास्त्र स्वयं आपने अपने अत्र वेद अवेद भवति यहाँ पे आकर के वेद अवेद हो जाता है निर्वेद हो जाता है मतलब वेद अपने शास्त्र का भी कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्र तो अज्ञानी के लिए है ज्ञानी के लिए नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जब ओंकारस्य प्रत्यगात्मत्वम् आपन्नस्य तुरीयस्य अपूर्वत्वम् अनंतरम् इत्यादि अनंतरतम इत्यादि विशेषणम् उक्तम इस विषय कहा तत्र हेतु इस विषय में हेतु को कहते हैं सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर मध्यमन्तस्तथैव च मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् व्यश्नुते तदनन्तरम् सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर् मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् संसार में जो भी कुछ कोई वस्तु दिखाई दे रहा सर्वस्य मतलब सबका प्रणव ये ओंकार परमात्मा प्रणव जब भी बोल रहे हैं यहाँ पे माया उपनिषद के चित्रण को लेकर ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रणव क्या है आदि मध्य अंत मतलब उत्पत्ति स्थिति और लय सबके लिए हेतु ही है सबके लिए हेतु परंतु तथे ही बचे यहाँ पे वो अपने आप उस रूप में रह कर तथा ए वचन जिससे ओंकार के पारमार्थिक स्वरूप है
उस अपूर्वान पर अनंतर अवाह्य इसमें रह करके वो क्या होता है उत्पत्ति स्थिति लय के हेतु इसी से विवर्तवाद सिद्ध होता है परिणाम मात्र खंडन तथा एवं वो वैसे ही है तथा एवं च एंड एंड इट इज एज इट इज इन स्पाइट ऑफ बीइंग एज इट इज बीइंग लाइक दैट बट स्टिल इट अपीयर्स टू अस एज इफ इट इज द कॉज ऑफ द ऑल क्रिएशन यही विवर्तवाद है मतलब आपने अतत्विक अन्यथा भाव मतलब अपने आप में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं करते हुए अपने को अनेक रूप में दिखा ये हो गया विवर्तवाद और अपने आप को परिणत करते हुए जो परिणामवाद हो गया यहाँ पे वेदांतिक सिद्धांत तो यह जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण उपकरण नहीं कुछ भी नहीं है इस प्रकार के तत्व तभी उपादान कारण बन सकता है यदि विवर्तवाद हो परिणामवाद में तो एक बनाने वाला एक बनने वाला तो अलग अलग होता है हमारे यहाँ पे बनाने वाला बनने वाला तो अलग नहीं एक ही है इसलिए विवर्तवाद के बिना कुछ संभव नहीं कुछ संभव विवर्तवाद उपनिषद में कुछ है या शंकराचार्य उपनिषद ही तो बोल रहे हैं इसको शंकराचार्य का अपना कोई सिद्धांत नहीं है शंकराचार्य उपनिषद वाद को क्या किया अर्थ छुपा हुआ है उसको केवल खोल दे विवर्त शब्द भी है विवर्त शब्द नहीं है विवर्त शब्द उपनिषद में आप यह नहीं मिलेगा मुक्ति को उपनिषद में मिल सकता है विवर्त तो हम लोग जिस 10 उपनिषद में पढ़ा वहाँ पे परंतु श्रुति क्या दिखाती है कि आपको एक सदैव संवेद मंत्र आश्रित करके फिर क्या करते हैं उस सृष्टि के प्रकरण को दिखाए हमको जो दिखाई पड़ता है फिर श्रुति अपने आप उसको निषेध कर देती है श्रुति अपने आप उसको निषेध कर देती है और श्रुति क्या बोलते हैं कि एकम एव अद्वितीय और मतलब सजातीय विजातीय शब्द भेद से रहित है जो अधिष्ठान तत्व हाँ श्रुति में ये लिखा है जो ये श्रुति वाक्य है तथा ऊर्णनाभिश्रीयते गृहते चथा पृथिव्या औषधे संभवती जथा शतपुरुषात केश लोमानी तथा अक्षरात संभवती है विश्व ये जो अक्षर तत्व से यहाँ पे देखिए कितना प्रकार के विवर्तवाद को स्पष्ट करने के लिए विवर्त को सीधा नहीं लिखा परंतु तीन दृष्टांत दिया जिस प्रकार से जथा ऊर्णनाभिश्रीयते गृहते च जिस प्रकार एक मकड़ी किसी की मदद के बिना ही अपने लिए अपना उपयुक्त सामान को बना लेती है एक दूसरा सजातीय सृष्टि पृथ्व्याम औषधे संभवती मतलब पृथ्वी से वनस्पति औषधि आदि उत्पन्न सजातीय सृष्टि है ऐसा विजातीय सृष्टि इस शरीर में ही आप देख लो कि आपका शरीर चेतन है न कुणारी है मतलब जड़ से चेतन से जड़ की उत्पत्ति भी होती है तो इस प्रकार से तथा अक्षरात संभवती यह विश्व इसी प्रकार से अक्षर तत्व से ये विश्व की उत्पत्ति होते हैं मतलब इसको उत्पत्ति के लिए और दूसरा किसी की आवश्यकता नहीं है इसके उत्पत्ति में सजातीय सृष्टि भी दिखाई देगा संसार में कुछ चेतन वस्तु भी दिखाई देते हैं कुछ जड़ वस्तु भी दिखाई पड़ते हैं परंतु ऐसा हमारे प्रतिष्ठान है इसी के द्वारा यहाँ पे ये मिथ्यात्व विवर्तवाद मतलब इसलिए एक निष्कर्ष है विवर्तवाद विवर्तवाद शब्द में विवर्त शब्द नहीं आया भाष्यकार की पंक्ति में विवर्त शब्द आया विवर्तते विवर्तते ऐसा करके बोलते हैं हाँ मम्मी विवर्तित व्यासदेव का शब्द में आया तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि जब ओंकार से प्रत्यगात्मकम आपन्नस्य तुरीय सपूर्वतन पर अनंतरत्व इत्यादि विशेषण मुक्तम तत्र हेतु उसके हेतु क्या है सर्वस्य प्रणवी आदि समस्त सृष्टि के प्रणवी आदि तत्व है सृष्टि के आदि तत्व ओंकारी है ना कौन सा ओंकार निर्गुण निराकार निर्विशेष और वही जो है अज्ञात होकर के अब सृष्टि के लिए हेतु बन जाए कोई अज्ञात होकर के सृष्टि के हेतु बन जाते हैं आदि मध्य अंत तथे वचन वो आदि भी है अंत भी है मध्य भी है और तथा वचन और उसी अपना जो स्वरूप है निर्गुण निराकार उस भाव में रह करके ही वो सृष्टि के लिए आदि अंत मध्य हो जाते हैं इस प्रकार से प्रणव को जानना है इस प्रकार से प्रणव को जानना है देखिए वेदांत सृष्टि का निंदा नहीं करती वेदांत सृष्टि को मतलब मिथ्या बोलते हैं परंतु सृष्टि की यथार्थ उपयोगिता भी देखिए ये नहीं होता तो हम चेतन तत्व को उपाधि को समझ उपाधि के बिना चेतन तत्व को समझ ही नहीं पाते उपाधि के बिना हम चेतन तत्व क्या वस्तु हम समझ ही नहीं पाते इसलिए एवं ही प्रणवम ज्ञात इस प्रकार से ही प्रणव को जान करके मतलब एक ही सिक्का का दो तरफ है एक ही वस्तु है एक तरफ अक्षर स्तंभ है और एक तरफ लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ द कॉइन ये 5 रुपया हो सकता है 10 रुपया कुछ भी हो सकता है सिक्का एक ही एक तरफ अशस्तम मतलब स्टेल और एक तरफ परिवर्तनीय 5, 10, 15 फिर सिक्का में परिवर्तन दिखाई देते ना है तो सिक्का एक तो इसी प्रकार से यहाँ भी जो है कि एक ही तत्व है वो एक ही तत्व क्या होता है कि ओंकार तत्व है ओंकार तत्व अपने स्वरूप निर्गुण निराकार निर्विशेष रहते हुए जब तक हम उसको नहीं जानते हैं
तब तक हमें क्या होता है, जगत नाम रूपात्मक दिखाई देता है। जैसे ही हमारे अंदर एक क्या बोलेंगे, जैसे डॉक्टरों का एक क्लिनिकल व्यू होता है, मतलब एक अपना पेशेंट को देख के वो थोड़ा बहुत ये कर लेते हैं, इसी प्रकार जैसे सुवर्णविद के सुवर्ण देख के अंदाज लगा लेते इसमें कितना हो सकता है, इसी प्रकार आत्मविद पुरुष को क्या होता है, नाम रूपात्मक जगत को देखेगा परंतु उसका व्यू क्या होगा, अंदर सच्चिदानंद तक, सच्चिदानंद तक पहुँच जाता है। एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा वैष्णुते तदनंतरम, ठीक उसके बाद जिस समय वो जानते हैं ना, ये जानने का मात्र से उस भाव को प्राप्त होता है। वैष्णुते अष्टधातु है, ईट अर्थ में आता है और फिफ्थ कंजुगेशन वहाँ पे नू आता है, विकरण विकरण नू आता है और बी उसको उपसर्ग लगा हुआ है, विशेष रूप से प्राप्त कर जाता है वैष्णु खा लेता है उसका सब एक हो जाता है, विशेष मतलब विशेष रूप से प्राप्त करता है तो अपना सारा विशेषता छूट जाता है, अरे विचित्र शब्द है ना, विशेष रूप से मतलब क्या होता है, जो विभक्त भाव था वो चला जाता है। देखिए भाष्य का क्या बोल रहे हैं, अच्छा टीका का एक लाइन और लिखे हैं, जथक तो विशेषणम प्रणवम प्रत्यंचम प्रतिपद्य कृतकृत्व भवति इति आह। इस प्रकार विशेषण वाला प्रणव को जान करके, जथक तो विशेषण कौन सा विशेषण, अपूर्वान परमानंतरम अभाय, इस प्रकार से जो विशेषण दिया हुआ प्रणव और वही जो है नाम रूपात्मक रूप में दिखाई पड़ता है, इस प्रकार ओंकार को प्रत्यंचम प्रति अंचति, अंचु प्रति अर्थ धातु है अंचु, तो प्रति अंचति मतलब प्रत्यगात्मा विषय बनता है, जो इनरमोस्ट सेल्फ जो प्रत्येक सबसे अंदर बैठा हुआ, इस प्रकार जान करके गतत्व विशेषणम प्रणवम प्रत्यंच, वही हमारा सबसे अंदर बैठा स्वरूप होता है, प्रतिपद्य समझ करके जान करके कृतकृत्य भवति, बस मनुष्य शरीर से जो करना था वो करना उसका पूरा हो जाता है। इति आह, उसी को मन में रखते हुए कहते हैं एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा वैष्णुते तदनंतर, इस प्रकार प्रणव को ओंकार को जान करके तो उसी के अंदर विशेष रूप से प्रवेश, उस क्षण में उसमें प्रवेश हो जाता है। यहाँ पे लोकांतर कालांतर की बात नहीं, इसलिए अनंतरम पद दिया हुआ है, मतलब बाद में अथवा आपको कालांतर में लोकांतर में देशांतर में फल मिलेगा ऐसे नहीं, क्योंकि वस्तु परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न से रहित हो गया, इसलिए देशांतर कालांतर देश वस्तु अंतर नहीं, तब अनंतरम शब्द के द्वारा इसका अभिप्रेत यही रहेगा। अब आलमगीर जी लिखते हैं पूर्वार्थम व्यय करोति, श्लोक में पूर्वार्थ कौन सा है, सर्वस्व प्रणव आदि मध्य मध्यम अंतस्तथे, इस पूर्वार्थ को व्याख्या करते हैं भगवान भाष्य, तो क्या बोलेंगे आदि मध्य अंता है ना, आदि मध्य और अंत मतलब क्या हो जाएगा, ये वहाँ पे आपके पास ये जो आदि मध्य अंता लिखा हुआ है ना और उसके बाद उत्पत्ति एक ही मात्रा में है, वो गैप होना चाहिए, ठीक है वो अच्छा है, क्योंकि आदि मध्य अंत जैसा तो विसर्ग था वहाँ पे आगे उकार को देख करते ड्रॉप हो गया और फिर वहाँ पे संधि नहीं हुआ, इसीलिए देखा आकार के बाद उकार आया हुआ है, संधि नहीं हुआ के आदि मध्य अंता, ये उत्पत्ति इसका अर्थ क्या आ गया, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ठीक है ना, मतलब उत्पत्ति स्थिति और लय। आप देखिए रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे हैं सर्प की उत्पत्ति कहाँ है, जब तक आप उस रज्जु तत्व के ज्ञान में तब तक उसकी स्थिति है, और जब रज्जु तत्व के ज्ञान होता है तो सर्प कहाँ जाता है, उसी रज्जु में लय प्राप्त कर, कहीं इधर उधर ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं आप, इसीलिए वही अधिष्ठान ही सर्प की सृष्टि स्थिति और लय के लिए यही उनका है प्रणाम, इसलिए बोलते हैं सर्वस्व एव, पूरा सृष्टि का पूर्ण सृष्टि के यही हिरण्यगर्भ से लेकर के चींटी तक सभी की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के लिए यही हेतु ओंकार ही हेतु। आप देखिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे दृष्टान्त द्वारा समझा गया, टीका करने के लिए क्या सर्वस्य व उत्पत्त मानस, जितना वस्तु उत्पत्ति सृष्टि होते हैं उत्पत्ति स्थिति लया यथक्त प्रणवधिना भवन्ति, जितने सारे उत्पन्नमान वस्तु मतलब उत्पन्न उत्पत्तिशील वस्तु जो भी कुछ है संसार में हिरण्यगर्भ से लेकर के फिर चीटी तक, वो सभी क्या होता है कि उत्पन्न उत्पत्ति स्थिति लया, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय सभी यथक्त प्रणव अधीन, ये जो जिस प्रकार प्रणव यहाँ पे दिखाया गया है उसकी अधीन अज्ञात प्रणव उस अधीन हो अज्ञात प्रणव अधीन होकर के उत्पत्ति स्थिति लय दिखाई देती है ना अधीन, इसलिए होता है यथक्त प्रणव अधीना भवन्ति। अच्छा भाई आगे क्या बोलते हैं, अत
तस् उक्तम विशेषणम युक्तम। इसलिए यहाँ पे जो विशेषण दिया गया है कि सर्वस्व प्रणव ही आदि रंगतम, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसी में स्थित है, उसमें लय प्राप्त करते हैं, इसीलिए ईश्वर में ही सब कुछ होता है। जब हम देखिए ब्रह्मों के लिए कोई शब्द नहीं है और ईश्वर शब्द मायावादी अथवा अज्ञान ब्रह्मों के लिए प्रयोग होता है, वो क्या वहाँ पे हम ईश्वर शब्द वहाँ विशिष्ट से के लिए सब कुछ उसका लक्षण ही ऐसा बना जन्मान दस ब्रह्म का लक्षण ही ऐसा बना। इसे यहाँ पे कहना विभूषण अब देखिए बोलते हैं तत्र परिणाम वादम व्यावर्त्य विवर्त वादम दोतयितुम उदाहरति। आनंदगिरी जी तो पूरा लिखते हैं, आनंदगिरी जी में तो विवर्त वाद होता है। तत्र तत्र मतलब एक नंबर प्रणवस्य जगत उत्पादकत्वे, प्रणव ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस विषय में उत्पादक मतलब अपने आप अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वही उसके बिना कुछ है नहीं, क्योंकि सारा भेद से नहीं दिखाया, इसलिए बोलते हैं उस उपादान कारण में। तत्व परिणामवादम व्यवर्त, परिणामवाद को अलग करके विवर्तवादम दो तैयार, विवर्तवाद को समझाने के लिए उदाहरण भगवान भाष्यकर विवर्तवाद को नहीं लिखा, परंतु जो दृष्टांत दिया सारा विवर्तवाद को मदद करते हैं। इसे बोलते हैं विवर्तवादम दो तैयू, अर्थात वेदांतिक सिद्धांत विवर्तवाद है, इसको प्रकाशित करने के लिए भगवान भाष्यकर यहाँ पे दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं देखिए माया हस्ती एक हो गया, दूसरा रज्जु सर्प, तीसरा मृग तृष्णिका, चौथा हो गया स्वप्नादिवत, चौथा ठीक है ना, चार दृष्टांत दिया। सृष्टि स्थिति लय कैसे हो रहा है उसको दिखाने के लिए भगवान भाष्यकर चार दृष्टांत दिया। पहले क्या दिया, माया हस्ती है ना, माइक हस्ती जो दिखाई पड़ता है ना, जादूगर जो दिखाते हैं, जादूगर जो दिखाते हैं, माया हस्ती में जादूगर आपको दिखा दिया एक हाथी और उसको सब कुछ काम कर रहे हैं, जादूगर सड़क है, जादूगर तो ये दिखाई देगा आपके सामने, माया हस्ती दिखाई देगी, मतलब क्या जादूगर के अधीन होकर आपको दिखा, माया हस्ती जो दिखता पड़ता है ना वो किसी के अधीन होकर के दिखाई पड़ता है। ठीक यहाँ भी ऐसा ही माया हस्ती बोल रहा है, जगत हमको दिखाई पड़ता है ना ईश्वर इच्छा के अधीन होकर, मान लो कोई असुविधा नहीं है, माया की प्रकृति मात्र है, हमने इस भगवान के खेल में खेलने के लिए है, जिस पैसा दे करके जादू देखने जाते हैं, इसी प्रकार अपना महान पुण्य रूपी कीमत चुका करके मनुष्य शरीर पा करके भगवान के खेल में भाग लिया, हमने देख रहे हैं शरीर को ऐसा बना दो, ऐसा भावना को मन में लाइए, जिस प्रकार कोई मैजिशियन के मैजिक देखने के लिए हम अच्छा कीमत दे करके आगे से बैठ के देखना चाहते हैं बेकूफ बनने के लिए, मजा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार अनेक जन्म के पुण्य को कीमत चुका करके अब भगवान के खेल देखने के लिए हम आए हैं, भगवान के साथ नहीं, ये माया हस्ती मतलब उनका अधीन होकर के, इस पर माया हस्ती, परंतु जिस प्रकार जादूगर की जो वस्तु है उस पर माइक होते हैं, यहाँ भी एक है भगवान की सृष्टि में, इसलिए माया हस्ती। रज्जु सर्प सेकंड डिस्टेंस है, रज्जु सर्प, रज्जु सर्प क्या होता है, हम अपनी अज्ञान अधिष्ठान के ऊपर हमसे ठीक से ध्यान नहीं दिया, अथवा ध्यान नहीं देने के पीछे हो सकता है हमारे अन्नों के कारण व संस्कार होता है, फिर दूसरी बात परिस्थिति होती है, अंधेरा हो गया, आधा अंधेरा कर जाने की जल्दी है, काम उन करके घर जाने की जल्दी है, किसी तरह से भागना है, इसलिए अधिक ध्यान से हम नहीं देखते हैं उसको, फलत क्या होता है हमको एक वस्तु पड़ा हुआ है हमको भिन्न रूप में दिखाई देता है, ये हो गया रज्जु सर्प। और रज्जु सर्प में एक और चीज होता है द्वेष के कारण दिखाई देता है, रज्जु सर्प में छुपा हुआ है द्वेष, संसार में किसी वस्तु के प्रति हमारा प्रीति हो गया, किसी वस्तु के प्रति हमारा द्वेष होता है, हमारा सर्प के प्रति घृणा है, डर है, इसीलिए हम डर के मारे उसको देखते हैं। कोई व्यक्ति भूचित्र माला भी देखते हैं, उसमें जो पूजा आदि करते हैं वो माला भी देखते हैं, भूचित्र जलधारा माला दंड सर्प कई चीज दिखाई पड़ते हैं, वो अपने अपने संस्कार का अंश दिखाई पड़ते हैं। मुख्य रूप से रज्जु सर्प के दृष्टांत जहाँ पे हम देते हैं वहाँ पे क्या होता है, द्वेष के कारण दिखाई पड़ता है, डर बैठ भय, अंधेरा पूरा अंधेरा नहीं, पूरा अंधेरा में आपको दिखाई नहीं देगा कुछ, ऐसा ऐसा अंधेरा चाहिए जिस अंधेरा में आपको हल्का दिखाई दे, पूरा समझ में ना आए, प्रकाश में आपका वो होगा शुक्ति का रजत, अब आ रहा है वो अपने आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर सब है, और प्रकाश मतलब कहता है राग प्रीति तृष्णा मृग तृष्णिका, ये जो चार पांच दृष्टांत दिया भगवान भाष्यकार आप देखिए, मैं अपनी तरफ तृष्णिका ये भी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे अपने आप बोल रहे हैं क्या, जल कृष्णा के कारण मृग मरीचिका,
मरीचिका के पानी जो दिखाई पड़ते हैं मृगों से हरिन से कोई मतलब हरिन भी ऐसे ही होता है मृगों मतलब हरिन वो भी वहाँ पे पानी छोच के कामले भी तो उसी प्रकार से मतलब झूठा प्यार के कारण हम वहाँ पे उसके पीछे दौड़ते हैं। ये यह आसक्ति के दृष्टांत जगत हमको दिखाई क्यों पड़ता है ईश्वर इच्छा मुझको बना पहले माया हस्ती दिया परंतु उसका केवल ईश्वर सुंदर रूप नहीं दिखाता हमारी राग देश में दिखा एक एक शब्द लिखा थोड़ा अपने आप विचार करिए क्यों भगवान भास्कर इतना दे रहे हैं संसार हमको दिखाई क्यों पड़ रहे हैं माया हस्ती रज्जु सर्प मृगतृष्णिका मृगतृष्णिका मतलब हो गया ना जो राम प्रीति अथवा स्वप्नाधिपत मतलब संसार में जिस वस्तु मतलब इस शरीर में रह करके मैं स्वप्न किसको देखता हूँ जो मेरे अधिक मन में बैठा हुआ है जो हमारे माइंड को इफेक्ट किया अधिक उस सपने में देखते हैं। इसी प्रकार से इस शरीर में बैठ करके हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो वासना रह जाता है वो हमको अगला शरीर में स्वप्न की तरह दिखाई इस प्रकार इसी शरीर में हम स्वप्न देखते हैं अगला शरीर में हमको प्राप्त होते हैं वासना के कारण प्राप्त होते हैं वासना को लेकर के बोलते ये वासना के कारण स्वप्न दिखाई पड़ते हैं वासना के कारण जगत दिखाई पड़ता है। माया हस्ती भगवान भास्कर आपने माया हस्ती रज्जु सर्प मृगतृष्णिका स्वप्न ठीक है ना ये एक भी परिणामवाद नहीं है सब विवर्तवाद की दृष्टांत मतलब नहीं होते हुए भी प्रतीति होना नहीं होते भी प्रतीति होना माया हस्ती रज्जु सर्प मृगतृष्णिका स्वप्न विवर्त उत्पद मानस उत्पत्त हो रहा है जिसका उसका कहाँ कहाँ से कहाँ तक देखिए वियदादि प्रपंच से है ना आकाश से लेकर तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु इतन मात्रा से लेकर तो पूरा सृष्टि राइट फ्रॉम देयर आकाश से लेकर के वियदादि प्रपंच मतलब जो भी विस्तार आपको दिखाई सब परंतु अंतिम में क्या बोलते हैं ये प्रणव कैसा है जथा माया व्यद माया के ऊपर मायावी के द्वारा दिखाया जाता है माया हस्ती इसी प्रकार प्रणव ईश्वर उसके द्वारा दिखाया जाता है ये माया संस्कार माया व्यादय मायावी आदि आदि बोलकर बहुवचन है प्रथमा बहुवचन मायावी आदि आदय है ना जथा जैसे माया हस्ती के लिए कारण कहता है मायावी और रज्जु सर्प के लिए कारण कहता है रज्जु और मृगदृष्टि के लिए कारण होता है बालू मरुभूमि और आपका जो है स्वप्न के लिए कारण होता है हमारा वासना जगत प्रपंचन संस्कार ये आदि में ये सब ग्रहण हो जाए आदि स्वप्न दृष्टा के बिना स्वप्न नहीं देखा जा सकता ध्यान देना यहाँ आप क्या है इन चारों में से मतलब समता विषमता को जरा सोचिए समता क्या है कोई एक दिखाने वाला चाहिए मैं हस्ती और रज्जु समय कोई एक अधिष्ठान की बिना भ्रांति नहीं और मरुभूमि में भी ऐसा ही है परंतु दोनों में भिन्नता एक जगह का उज्ज्वल प्रकाश एक जगह प्रकाश की मंदता एक जगह का उज्ज्वल प्रकाश एक जगह प्रकाश की मंदता मतलब क्या है या तो हम बहुत अटैच्ड हैं अथवा हमारी बुद्धि ठीक से काम और फोर्थ में दृष्टांत दिया स्वप्न दृष्टा परंतु हर जगह पे एक दृष्टा अवश्य इसके बिना होना संभव नहीं स्वप्निक वस्तु सारा मिथ्या है स्वप्न में जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है हम उठ करके निश्चय करते हैं कि मिथ्या है परंतु मैंने स्वप्न देखा था ये निश्चय ये गलत नहीं होता स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं ये कभी नहीं बोलते हैं स्वप्न में मैंने जो भी कुछ देखा वो सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है अलग है परंतु स्वप्न देखने वाला ये मिथ्या है ये जो यथा माया व्यादय इस प्रकार माया हस्ती मिथ्या है परंतु माया भी मिथ्या नहीं है रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प मिथ्या है परंतु रज्जु मिथ्या नहीं है मरुभूमि में दिखाई दे रहा है पानी मिथ्या है परंतु बालू का मिथ्या नहीं है स्वप्न में दिखाई दे रहा है सात्विक वस्तु मिथ्या है परंतु स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं है इसको समझाने के लिए यथा माया व्यादय जैसा माया व्यादय में दिखाई ठीक है एवं इस प्रकार से देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं इसके टीका में आ जाएगा अनेक उदाहरणम उत्पत्त मानस अनेक विधत्त बोधनार्थम ठीक है ना ये जो अनेक दृष्टांत भगवान भाष्यकर यहाँ पे दिया संसार में कई वस्तु उत्पत्ति हुई सब वस्तु उत्पत्ति के लिए अलग अलग प्रकार के दिखे अलग अलग प्रकार के इसे उसको समझाने के लिए अनेक उदाहरणम उत्पत्त मैं बोला ना आपको कि क्या है एक माया भी चाहिए और एक राग चाहिए राग द्वेष वासना यही हमारे सृष्टि के लिए कारण बनता है यही हमारे सृष्टि का परंतु अपने आप हम सृष्टि नहीं कर सकते ईश्वर अधीनों का सृष्टि चाहे हम कितना भी चाह ले परंतु वो हमारे लिए पूर्ण फलीभूत नहीं होगा ईश्वर की इच्छा में इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अनेक उदाहरण उत्पत्त मानस अनेक विधत्त बोधनार्थम उत्पत्त मान वस्तु अनेक प्रकार होते हैं इसको समझाने के लिए प्रणवस्य प्रत्यगात्मत्वम
प्राप्तस्य अविकृतस्यैव स माया शक्ति वशात् जगत हेतुत्वमिति अत्र दृष्टान्तम् आह। परंतु इस सबके पीछे को प्रणव ओंकारिक अधिष्ठान तत्व वो सत्य है। प्रणवस्य प्रत्यगात्मत्वम जो अपने स्वरूप को जो करके बैठा हुआ है, प्राप्तस्य अभिकृतस्य जो आपने बोध कर लिया और जो अभिकारी तत्व है, एवं स्व माया शक्ति वशात् अपने ही माया शक्ति के वश, अपने माया शक्ति मतलब अपने को छुपा कर अज्ञात रख कर, यदि भगवान अपने स्वरूप अपने को दिखा, हम लोग उनको दिखा दे, तब तो ना भगवत प्राप्ति की इच्छा ना संसार की समस्या है। तो ये ईश्वर के लिए इसलिए बोलते हैं स्व माया शक्ति वशात् जगत हेतु तम, इसमें इस प्रकार से प्रणव में जगत हेतुता आता है। वास्तविक में यह माया शक्ति से अज्ञात ब्रह्म ही जगत के हेतु है, यही माया शक्ति है। यदि अत्र दृष्टान्त आप इस विषय में दृष्टान्त क्या दिया, यथा माया दिया, इस प्रकार माया भी उसका अधीन कर, इस प्रकार अधिष्ठान तत्व के बिना भ्रांति नहीं होती। अब अधिष्ठान हम चार दृष्टान्त देता है वेदांत में, रज्जु सर्प, स्थान पुरुष और शुक्ति का शुक्ति रजत और बालू मरीचिका मृग मरीचिका, चार दृष्टान्त देते हैं। इसमें दो दृष्टान्त है राग देश भय, इसमें जन देश भय इसको लेकर के, मतलब स्थान पुरुष आपका चोर और रज्जु सर्प, जहाँ पे डर उत्पन्न होता है, भागने का कोशिश करता है देश, ये दोनों दृष्टान्त है। और वहाँ पे मंदबुद्धित्व मान प्रकाश की कमी, मंदबुद्धित्व की कमी, और एक जगह पर संसार के प्रति आसक्ति प्रति हमको दिखाई पड़ता है, जहाँ पे सिक्का एक शीशे के टुकड़ा को हमने सिक्का समझ लिया, क्यों हमारे मन में सिक्का प्राप्ति की इच्छा रहती है, मैंने को तृष्णा क्यों हमें प्यास लगा चलना था, इसी में जल पीने की इच्छा है, इसीलिए आपको सामने जल दिखाई पड़ता है, ये दोनों रात को देखने दृष्टान्त। परंतु ये सभी क्षेत्र में जो कॉमन है वो कॉमन क्या है कि एक अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं हो सकती, कोई ना कुछ वस्तु है वहाँ। इसलिए बोलते हैं प्रणवस्य प्रत्यगात्मत्व प्राप्तस्य अभिकृतस्य वश माया शक्ति वशा जगत हेतुत्वम इति अत्र दृष्टान्तम् यथा, इसको देखिए यथा बोलते हैं, यथा माया भी स्वगत विकारम अंतरेण माया हस्ते आदि इंद्रजालस्य स्व माया वशादेव हेतु, जिस प्रकार माया भी मतलब जादूगर, जादूगर क्या होता है माया भी, स्वगत विकारम अंतरण आपके अंदर कोई भी अपने अंदर कोई भी विकार को प्राप्त किए ही आप अपने आप में कुछ भी विकारी नहीं बनते, वो अपने आप में सही रहता है, केवल एक ऊपर से चोला छाला कुछ पढ़ लेते हैं दिखाने के लिए, मतलब कि अपने आप में सही रहते हैं। इसलिए स्वगत विकारम अंतरण अपने अंदर किसी भी प्रकार के विकार को प्राप्त किए बिना ही माया हस्ति आदि इंद्रजालस्य, माया हस्ति आदि जो मतलब इंद्रजालिक माइक दिखाई पड़ते हैं, इंद्रजाल मतलब माइकस्य, माया हस्ति आदि हो गया दृष्टांत, और उसका पूरा में देखेंगे तो माइक वस्तुओं का स्व माया वशादेव अपनी माया के फल से ही दिखाई को कारण बनता है, कौन को माया भी उसका मतलब जादूगर के पास कुछ अपना कुछ टेक्निक होता है, उसके फलस्वरूप भी वो जैसे समथिंग फ्रॉम नथिंग करके दुनिया भर के स्टेज में भर्ती कर देगा, परंतु उसको उसका अपना कला है, अपनी माया शक्ति से वो दिखाते हैं। यथावा रज्ज्वादय, देखिए ये विवर्तवाद को स्पष्ट करते हैं, अथवा जैसे रज्ज्वादय रज्ज्वादि रज्जु हुआ, अथवा आपका जो है मृगतृष्णिका हुआ, अथवा स्वप्न तृष्ण, स्वगत विकार विरहीन अपने में, देखिए ऊपर बोलता है स्वगत विकारम अंतरेण, यहाँ पे क्या बोलता है स्वगत विकार विरहीन अपने में किसी भी प्रकार का विकार कभी होना संभव ही नहीं है, अपने में अधिष्ठान में रज्जु में किसी भी प्रकार के विकार हुए बिना ही वो सर्वरूप में दिखाई देने लगता है। इसलिए बोलते हैं स्वगत विकार विरहीन, जिसके अंदर कोई विकार होना संभव ही नहीं है, होता क्यों है स्व अज्ञानान एव, अपने अज्ञान के कारण ही सर्पादि हेतव, वो सर्पादि हेतु बन जाते हैं, सर्पादि हेतव तथा ठीक उसी प्रकार एवं आत्मा, इसी प्रकार ही हमारे स्वरूप प्रणव भूत जो प्रकार स्वरूप है, व्यवहार दशायाम ये चीज है, ये चीज एक व्यवहार दशा है, एक पारमार्थिक दशा है, व्यवहार दशा में द्वैत है, व्यवहार दशा में वो ईश्वर इस रूप में प्रणव इस रूप में दिखाई पड़ते हैं, व्यवहार दशा में प्रणव ओंकार ईश्वर भेद रूप में प्रतिबिंब होते हैं, और वही ईश्वर जब आप पारमार्थ ध्यान भजन करते हैं भगवान की चिंतन करते हैं तो कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, एक एक रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए हमें होता है एक जो श्लोक आया था, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्ते सुनु सेव सभा के पंडित एक एक ही वस्तु एक वस्तु को देखते हैं। इसलिए हमें बोलते हैं यथा रज्ज्वादय स्वगत विकार विरहीन स्व अज्ञानाद, देखिए मैं यही चीज बोला कि एक ही वस्तु आपका बंधन के लिए भी हेतु है और अपना मुक्ति के लिए भी हेतु, अज्ञान बंधन के हेतु बनता है और वही वस्तु जान लिया तो मुक्ति के लिए हेतु बनता है, स्व अज्ञानादेव सर्पादि हेतु सर्पादि के लिए हेतु बनता है,
ठीक उसी प्रकार से अयम आत्मा ये हमारे स्वरूप प्रणव भूत जो ईश्वर स्वरूप है उनका रूप है। व्यवहार दशाएं जब हम व्यवहार करेंगे ना आपका पारमार्थिक भाव रहने हुए भी व्यवहार करने क्योंकि व्यवहार प्रारब्ध के अनुसार होता है पहले से भगवान निर्धारण कर दिया उसका हम तुरंत बंद नहीं कर सकते इसलिए अभी बोलते हैं व्यवहार दशाया स्व अविद्या अपने ही अज्ञान कारण सर्वस्व हेतु होती पूरा सृष्टि के लिए वो कारण अतः युक्तम टीका भी है अतः युक्तम तस् परमार्थ अवस्थाया पूर्वक्त विशेषण इसलिए ये युक्ति संगत है पारमार्थिक अवस्था में वो अनंतर अबाह्य प्रज्ञान घन है वह पूर्वान है इस प्रकार से परमार्थिक अवस्था में और व्यवहारिक अवस्था में वो अनेक रूप में दिखा अनेक रूप में दिखाई दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे अतों के ऊपर मिला दो नंबर टिप्पणी अत विकार अविकारिना एव सतः ये देखिए विवर्तमान कुछ कहता सुन पारमार्थिक दृष्टि से अविकारी होता हुआ ही पारमार्थिक दृष्टि से अविकारी होते हुए अविकारी न एक सतत सर्व व्यवहार हेतुत्व अब समस्त व्यवहार के लिए भी हेतु बन जाते हैं क्यों अविद्या अर्थ अज्ञान के कारण स्वरूप के अज्ञान के कारण व्यवहार के हेतु बनते हैं स्वरूप का ज्ञान हो गया तो नहीं वह किंचित करो में यदि युक्त मान्य करता जब तत्व ज्ञान हो जाता शरीर के क्रिया होने पर भी फिर भी नहीं वह किंचित करो में यदि है कि नहीं ऐसा बोलते हैं भगवत गीता में इसीलिए भी हम बोलते हैं कि व्यवहारिक दशा में तो आप भेद होकर के कर्म होगा क्रिया भी होगा परंतु पारमार्थिक स्थिति में कोई विकार नहीं होते इसलिए बोलते हैं अविकारी न एव सतत अविकारी न में कौन सा विभक्ति लगना चाहिए नहीं नहीं वहाँ पे तो संत सत सतो संत यदि प्रथम बहुवचन संत में कौन सा विभक्ति देखिए जहाँ पे त्व बैठता है ना वो षष्ठी विभक्ति में यदि सर्व व्यवहार हेतुत्व सर्वस्त व्यवहार के हेतु तो कहाँ बैठेगी अविकारी नहीं बस सतह वो षष्ठी है यहाँ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि हमें निर्णय करना अब अविकारी रहता हुआ जो ओंकार उसमें ही वही समस्त व्यवहार का हेतु बन जाता है षष्ठी एक वचन षष्ठी एक वचन अविकारी न एव सतह सर्व व्यवहार हेतुत्व होता क्यों है तो व्यवहार अविद्वया अविद्वया अब जब द्वितीय अर्थ को विभाजन करते हैं द्वितीय अर्थ को विभाजन करते एवं ही प्रभाष्य में आ जाइए एवं ही प्रणवम आत्मानम एवं ही प्रणवम आत्मानम माद्यादि स्थानीय ज्ञात्वा इस प्रकार से तो जो ओंकार हमारा स्वरूप है ना वो दृष्टांत का जरा स्वरूप तो नहीं दिखाई पड़ रहा पर दृष्टांत तो क्या दिया था पहले दिया था मायावी कि जिस प्रकार मायावी माया हस्ती को दिखाता है इसी प्रकार अंदर ईश्वर जब अंतर बैठ करके हमारे जन्मांतरीय वासना और कर्म कौशन संसार को देखने में मजबूर करते हैं माया हस्त इसलिए हमें बोलते हैं एवं ही प्रणव आत्मान वो कैसे है मायावी आदि स्थान है वो मायावी के स्थान में भी है वो रज्जु के स्थान में भी है और वो आपका बालुका के स्थान में भी है और वो आपका वासना के रूप में भी अधिकतर इसलिए बोलते हैं मायावी आदि स्थानीय सब ज्ञानता उस प्रणव तत्व को जान करके जैसे ही आप जान लेंगे तब क्या हो जाएगा सत्नादेव क्षण में ही तदात्म भाव प्रश्न थे उस परमात्मा भाव को सर्वप्रथम आपको प्राप्त कर लेते हैं इसी अर्थ इसका निर्णय कर लेते हैं। देखिए टीकाकार बोलते हैं कि पूर्वोक्त विशेषण संपन्न मिति जावत एवं ही वहाँ पे जो एवं ही पद आए उसका अर्थ क्या होगा वो जो पूर्वोक्त विशेषण बोला ना अब अपूर्व मन परमानंतर बाबा या इस प्रकार विशेषण वाला प्रणव को जान करके पूर्वोक्त विशेषण संपन्न प्राप्ति जावत अच्छा ज्ञानस्य मुक्ति हेतु सहायांतरम अपेक्षा नास्ती की शुरू है ज्ञान मुक्ति के लिए किसी की मदद नहीं मांगता ज्ञान ही मुक्ति है ज्ञान ही मुक्ति है इसलिए ज्ञान मुक्ति के लिए किसी की मदद नहीं है ज्ञानस्य मुक्ति हेतु हो ज्ञान जो मुक्ति के लिए हेतु है सहायांतरम अपेक्षा नास्ती किसी भी प्रकार की किसी का असहाय मतलब हेल्प नहीं चाहता है बस अपने आप ज्ञान होने मतलब मुक्त है वो देशांतर कालांतर में जाने के लिए आपको काल की अपेक्षा करना पड़े देशांतर जाने के लिए ज्ञान की अपेक्षा करना पड़ता उत्तरायण दक्षिण बाहुल क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जान लिया तो ज्ञान हो गया इसीलिए हमें बोलते हैं कि मुक्ति हेतु सहयांतर अपेक्षा नास्ती शुरू चाहिए तो क्या बोलते हैं मुक्ति दिन मुक्ति हेतु न तो मोक्ष उत्पादन इतिहास ये भी इस शब्द के ऊपर मैं पूर्ण सहमत हूँ मोक्ष उत्पादन मोक्ष ने मोक्ष भाव है ना मोक्ष मुक्ति उत्पत्ति नहीं होती मुक्ति भाव को लाने के लिए वो क्या होता है यही जो है तत्व क्षण मुक्ति भाव में आ जाता है बंधन भाव से छोड़ते मुक्त तत्व क्षण भी हो जाता है
तदात्म भावम व्यस्त तदात्म भाव मतलब तदात्म भावम इति अत्र तत्शब्देन अपूर्व आदि विशेषण परमार्थ वस्तु परमार्थ तदात्म भाव मतलब जिस निर्गुण निराकार निर्विशेष भाव का प्रतीक लेकिन सगुण साकार के साथ एकत्व नहीं होगी सगुण साकार के साथ जो है अब मुक्ति भी नहीं होगी तो निश्चित पुनरागमन आरंभ होगा तो निर्गुण निराकार के साथ एकत्व अनुभव करेंगे तब जाकर के धर्मार्थी तदात्म तब तदात्म भाव तदात्म देखिए मूल में भाष्य तब क्षणा देव तदात्म भाव ठीक है भाष्य उसका अर्थ लिख रहे हैं यदि तत्शब्द यहाँ पे तत्शब्द करें किसको बनते हैं अपूर्वादि विशेषण अपूर्वानंद इस प्रकार विशेषण को ग्रहण करने परमार्थ वस्तु इस प्रकार जो पारमार्थिक वस्तु है उसको परामर्श वैशाख वेद शुभित जलनिधे वेदनामन्तरस्थं भूतायमारोग्यायनाभिरमुग्रतजनग्राहकोरेशमुद्रे कारुण्यादुदरारुतगृतमतये दुर्लभं भूतहेतो जस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुं पादपादैर्नमोऽस्तु।